हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार सूरज कुंड का मेला यार लग चुका है फाइनली। 3 तारीख को लग गया था लेकिन मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। आपको टिकट कैसे बुक करनी है सस्ते में आप सभी लोगों को मैं वो बताने वाला हूँ, क्योंकि यार वहाँ जाने के बाद टिकट थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। वहाँ पर टिकट पड़ती है 150 की, 250 की और 180 की, और स्कूल के बच्चों के लिए यार ऑलरेडी फ्री है। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, अगर आप अपना आईडी कार्ड लेके जाते हो तो आपके लिए हाफ टिकट पड़ जाएगी सूरज कुंड के मेले की। और यार जो वैसे वर्क वगैरह करते हैं, काम वगैरह करते हैं, उनके लिए सस्ते में कैसे पड़े तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हो, वो भी सस्ते में। 108 रुपये की पर बंदे की पड़ेगी। तो यार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले आपको जाना है अपनी एक एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड कर लेनी है, बुक माई शो। तो इसको डाउनलोड कर लेना है, इसे मैं ओपन करूँगा, लॉगिन भी करना पड़ेगा आपको। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करा हुआ है। ओके, हम आ चुके हैं। आप यहाँ से कोई भी टिकट वगैरह बुक कर सकते हो किसी भी मूवीज़ की, देख लो एरी मूवी, सारी मूवीज़ ही हैं। एंड यहाँ से सर्च करेंगे एंड सूरज कुंड का मेला मैंने ऑलरेडी सर्च किया। आने के बाद अभी हमको सर्च करना है सूरज कुंड का मेला, सूरज कुंड मेला। तो जैसे आप देख सकते हो सबसे ऊपर ही आ चुका है। ओके, तो अब मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब आपको देख सकते हो कि हमारी जो टिकट है वो 108 रुपये की है। तो यहाँ से मैं करूँगा बुक एंड आपको किस टाइम पे जाना है वो वाली डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो आज कितनी तारीख है मैं एक बार देख लेता हूँ। आज 6 तारीख है और मुझे जाना 7 तारीख को, ठीक है। मैंने यहाँ से अपनी डेट एक सिलेक्ट करी एंड टाइम सेलेक्ट किया 10 बजे, मतलब 10 बजे वो ओपन हो जाता है, सूरज कुंड का मेला लगना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से मैं करूँगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप यहां से बंदे भी ऐड कर सकते हो, आप कितने बंदे जा रहे हो। तो यहां पे ऐड पे क्लिक करेंगे, जैसे हम 2 बंदे जाने वाले हैं तो मैं यहां से ऐड कर दिया एक और बंदा, तो 216 की हमारी टिकट पड़ेगी। तो यहां से करेंगे हम प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद अब आपको यहां पे प्रोसीड टू पे करना, आपको यहां पे पैसे पे करने हैं। तो यहां पे प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना और सबसे पहले आपको अपनी जीमेल भी डाल लेनी है। अगर आपने नहीं डाली है तो वो बात अलग है, आपको पहले अपनी जीमेल भी डाल लेनी है। तो यहाँ पर मेरी एक जीमेल है, मैंने वो डाल लिया। ओके, एंड यहाँ से करूँगा मैं कंटिन्यू, अपडेट डिटेल्स। ओके ओके, तो अब यहाँ पर जो हमारा रियल प्रोसेस आता है, अब हमें पे करने हैं 218 रुपये। ओके, तो आप यहाँ पे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और गूगल पे किसी से भी आप कर सकते हो। तो मैं कर लेता हूँ गूगल पे से। ओके, लेकिन वो मेरे में इंस्टॉल नहीं है। जैसे मैंने पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करा तो मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ चुका है। तो यार आप किसी से भी इसमें आप पैसे पे कर सकते हो किसी भी मेथड से जो आप। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपको पता चल जाए कि कितने रुपए की टिकट कितनी सस्ती पड़ जाती है अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो। तो वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।